कश्मीर के सोनामर्ग में स्नो फेस्टिवल का किया गया आयोजन। एडवाइजर बशीर अहमद खान ने इस फेस्टिवल की इनॉग्रेशन। आज सोनामर्ग में जो स्नो फेस्टिवल हुआ है कि इस हवाले से यहाँ के स्टेक होल्डर से जो है पीर सैयद अतर शाह साहब का उर्स मुबारक आज सेड़ी ख्वाजा में बड़े अकीदो अतराम के साथ किया गया। इस मौका पर भारी तादाद में लोगों ने शमूलियत। होमगार्ड एसोसिएशन पुंछ की ओर से आज अपनी मांगों को लेकर परेड पर पुंछ में किया गया मीटिंग का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लेफ्टिनेंट गवर्नर से की गई अपील कि हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत इन्हें किया जाए रेगुलाइज। सर, गवर्नमेंट से हम ये चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, हमने ये जो आज हमारे यहाँ पे जवान गठे हुए हैं, हमारी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ब्लॉक लोरन के बटल कोर्ट में मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर से लगाया गया मेडिकल कैंप जिसमें लोगों में दी गई मुफ्त दवाइयाँ। रफीक सरपंच बैटलकोट से, जो कि आज यहां पे बीएमओ मंडी साहब ने कैंप लगाया है। आज के इस कैंप के हवाले से ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मंडी ने पुंछाज के नुमाइंदे को दी जानकारी। मंडी का जो है सबसे फास्ट लैंड एरिया, स्नो बर्न्ड एरिया है। यहाँ पे 5-6 गांव यहाँ नजदीक में पड़ते हैं और बहुत पिछड़ा वाला। नौशहरा के सेरी में किया गया कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने धराड़ दमदनी पुल और वाटर फिल्टर प्लांट का किया उद्घाटन। बीडीसी चेयरमैन, डीडीसी चेयरमैन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा, एएसपी नौशहरा मौके पे थे मौजूद। जैसे सब जानते हैं कि 50 वर्षों से ये जो दंदानी और द्राट ब्रिज है, इसकी मांग थी जनता की, एकमात्र ही मांग थी। आज के कार्यक्रम के हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा सुखदेव सिंह संभ्याल ने दी जानकारी। ये जो ब्लॉक सेरी है, यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की जीती जागती मसाल है। आज के इस कार्यक्रम के हवाले से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने मीडिया को बताया। आपको नौशहरा से 1.5 घंटे में आपकी गाड़ी जम्मू बस स्टैंड के अंदर पहुंचेगी। ये नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है। देशभर की तरह आरएसपुरा में भी श्री गुरु रविदास जी का प्रकाश पर्व 27 फरवरी को बड़े श्रद्धापूर्वक तरीके से मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले को लेकर श्री गुरु रविदास
ट्रस्ट आरएसपुरा के प्रधान ने दी जानकारी। श्री गुरु रविदास जी का जन्म दिहाड़ा आया। ऑपरेशन सद्भावना के तहत टाइगर डिवीजन के मीरा साहब ब्रिगेड द्वारा जैविक खाद तैयार करने वाली मशीन ब्लॉक मीरा साहब को दी। सबसे पहले तो सीओ अभिषेक जी का और अपने टोएसी कमल भट्ट जी का और पूरी आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां सचिन कुमार की अध्यक्षता में शोपियां में किया गया मीटिंग का आयोजन, तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे मौजूद। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स शोपियां की ओर से आज क्रिकेट, योगा और फुटबॉल के खिलाड़ियों के टूर को जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां ने झंडी दिखाकर किया रवाना। मॉर्निंग, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज यहाँ पर हमें साथ दिया।